नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। मुख्यमंत्री के गोद लिए गांव क्योडक में भ्रष्टाचार के खिलाफ 6 पंचों ने दिए इस्तीफे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा गोद लिए गए गांव क्योडक में भ्रष्टाचार के खिलाफ 6 पंचों ने इस्तीफे दिए हैं। पंचों ने इस्तीफा देने से पहले निजी होटल में प्रेस वार्ता की। पंच नरेश व शिकायतकर्ता सेठ पाल ने कहा कि 20 से 10 पंचायत सदस्य सामूहिक इस्तीफा पंचायत विभाग के निदेशक को देंगे। साथ ही सभी पंच मिलकर के DC से धरने के लिए परमिशन भी लेंगे। उन्होंने कहा कि गांव में सरपंच ने अधिकारियों के साथ मिलकर के 1,20,00,000 रुपए का घोटाला किया है, जिसमें से गली निर्माण के लिए 2 घोटालों को वह पकड़ चुके हैं। वह जांच में सरपंच दोषी पाया गया है। BDPO ने DC को कार्रवाई के लिए फाइल भेजी है, लेकिन DC ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। 2/7/2018 में ऑफिस में पड़ी है, आज तक उसने कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं करी और इस रिपोर्ट को अब बदलने की कोशिश की जा रही है। दोबारा वीडियो पे भेज दिया है मैडम ने, और जितनी भी गांव में गलियां बनी है उनमें भी, और जितनी भी थाई बनी है गांव में उनमें भी भ्रष्टाचार है। आंगनबाड़ी है जैसे 7,00,000, क्योंकि हम गांव में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसके खिलाफ बिल्कुल चारों तरफ से घूम फिर के कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं है। इससे हताश होकर हम अपना इस्तीफा देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। कितने मेंबर हैं? मेंबर हैं इसमें 10 मेंबरों ने अपना, सबों ने अपने पूरे सोच समझ के ये फैसला लिया है। आप अपना पर, आप गांव के ओडक से ये पंचायत है, तो ये अपने गांव में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसके हताश होकर हम सारी जगह DC साहब पे भी, BDO साहब पे भी काफ़ी टाइम से घूम रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई, जिसके कारण हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपना इस्तीफा माननीय महानिदेशक जी को देना चाहते हैं। CM ने गोद लिया जी? हाँ, CM ने गोद लिया है गाँव है जी। और ईमानदारी का तो इसमें परचम चला है, लेकिन भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हो रहा है। 2018 को हम 10 मेंबर पंचायत ग्रामवासी सेठ पाल के साथ उपयुक्त महोदय जी से गांव के भ्रष्टाचार लिखित शिकायत के ठोस प्रमाण दिए थे, जिसके आधार हमने जून महीने में CEO कैथल JE PWD SDO पंचायती राज ग्राम सचिव द्वारा गांव में आकर मौके पर इंक्वायरी की गई, लेकिन आज तक सरपंच केवड़क ने अपनी राजनीतिक पैठ और भ्रष्टाचार के कमाए धन के बल पर रिपोर्ट को दाखिल नहीं होने दिया। इस रिपोर्ट को दबा दिया गया। उसके बाद हमने अपनी शिकायत को गरेंसी मीटिंग में लाने की कोशिश की, जिसके लिए हम उपयुक्त महोदय से मिले। उन्होंने हमारी शिकायत गरेंसी मीटिंग में लगाने से मना कर दिया। उसके बाद हमने अपनी शिकायत मुख्य शिकायतकर्ता विभाग चंडीगढ़ को दी, 27/6/2018 को दी, जिसके चलते हमें 20/7/2018 को मुख्य सत्र विभाग से पत्र आया, जिसमें उन्होंने सूचना दी कि मुख्य सतर्कर्ता विभाग अपना स्टाफ सहित 27/7/2018 को 12 बजे गांव में आकर मौके पर इंक्वायरी करेगा। 27/7/2018 को सुबह 9 बजे ही फोन आया कि इंक्वायरी करने नहीं आ रहे हैं। उसके बाद आज तक मुख्य सतर्कर्ता विभाग कार्यालय से ना तो कोई सूचना आई है, ना ही कोई कार्रवाई हुई है। इस इंक्वायरी के सरपंच बुलकार आर्य ने अपने राजनीतिक आर्थिक बल के सहारे अन मौके पर इंक्वायरी रुकवा दिया। हमारे ग्रामवासी सेठपाल पुत्र रणबीर सिंह त्योड़क ने एक गली में भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए 19/3/2018 को CM विंडो में शिकायत लगा दी, जिसकी शिकायत नंबर है 028458। इस शिकायतकर्ता के आधार पर SDO पंचायती राज कैथल के श्री कृष्ण छुटानी कनिष्ठ अभियंता श्री सतीश कनिष्ठ अभियंता द्वारा मौके पर इंक्वायरी की गई और DDPO ऑफिस में अपनी रिपोर्ट नंबर 2695 दाखिल करवाई। इस रिपोर्ट को BDO ने 2/7/2018 को उपयुक्त कार्यालय में दाखिल करवाया। इस रिपोर्ट में 2695 के अनुसार सरपंच बुलकार को 12,000 ब्लॉकों में से 7,687 कम ब्लॉक लगाने व पुराने मटेरियल का स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न कराने का दोषी पाया गया। इस ग्राम सचिव के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का प्रार्थना की गई है, लेकिन आज तक इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने इस रिपोर्ट को 2695 रिपोर्ट नंबर 2695 को उपयुक्त कार्यालय द्वारा सरपंच के खिलाफ कार्रवाई में हो रही देरी को लेकर 2 बार रिमाइंडर भी दिया, लेकिन सिवाय कार्रवाई की सांत्वना के कुछ नहीं किया गया। अब तो सरपंच द्वारा अपने राजनीतिक पैठ भ्रष्टाचार को कमाए पैसे रिपोर्ट को बदलाने दिए जाने की सूचना आने लगी है। इस इंक्वायरी को बाबाराजपुर डेरे वाली गली में भी एक तोड़ा भी लगा रखे उन्होंने, एक तोड़ा भी कैसे होता है? इतना भ्रष्टाचार हो रहा है गांव में जिसका कोई हिस्सा नहीं। कौन शामिल है इसमें भ्रष्टाचार? इसमें सरपंच सेक्रेटरी SDO और BDO पंचायत में तो उन आदमी ने बुला है जो उसके फेवर में है, बाकी जो 8-10 पंचायत मेंबर हैं उन्होंने तो पंचायत में सूचना ही नहीं देता पंचायत हो रही है, कभी भी आज तक दी नहीं उसने। आपको कभी नोटिस नहीं आया जब भी पंचायत की जब बैठक होती है?
नोटिस एक शुरू शुरू सी में आया एक दो बारी, बाकी कोई नोटिस नहीं आया दोबारा। बाकी क्या नोटिस रह गया? कितनी ग्राम सभा की बैठकें हो चुकी है? कोई बैठक भी ग्राम सभा